नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेक्चर सीरीज के अंदर ये मेरा 16वां लेक्चर है और इसमें आज मैं जून 2014 के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? रूप दर्शक कौन होता था? रूप दर्शक होता था सिक्कों का निरीक्षण करने वाला, जो उस टाइम के सिक्के थे उसका ये निरीक्षण करता था। और दूसरा, उसके अंदर सिक्कों के अंदर होता था पोटवाध्यक्ष। पोटवाध्यक्ष क्या करता था? सिक्कों की माप तोल की जिम्मेदारी होती थी पोटवाध्यक्ष की। प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था, प्लेटो ने इन सभी के विचारों को लिया था। इसका सही आंसर डी है, हेराक्लिटस, पैरामेनिडीज और सुकरात। किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? ये हॉब्स के लिए है। हॉब्स क्या बोलते थे? जितनी भी अनुभूतियां हैं वो गति की वजह से होती है। दोस्तों, ये इनका कॉन्सेप्ट है, इसी के आधार पे पूरी की पूरी इनकी थ्योरी टिकी है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। रूसो ने अकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। दोस्तों, आपको पता है 1949 में ये प्रतियोगिता रखी गई थी और 50 के अंदर हुई थी, जिसमें कि रूसो का फर्स्ट प्राइज आया था। और वो था, क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में अपना योगदान दिया है? तो इसके ऊपर इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना ही राय। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान की उनकी अपनी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। सही मत या राय ज्ञान है, बिल्कुल गलत। आर तो बिल्कुल ही गलत है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान क्या है? वर्च्यू इज नॉलेज। वर्च्यू इज नॉलेज, सदगुण ही ज्ञान है, ना कि सही मत। ठीक है, तो इसका सी बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सत्य और आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। मात्रात्मक मात्रा का गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि उन्होंने बोला भी था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि बर्फ बदल जाता है पानी में और पानी बदल जाता है बर्फ में, तो ये रूपांतरण का नियम चलता रहता है। विरोधी की एकता का नियम, ये भी इन्होंने दिया है, विरोधी की एकता का नियम। नकारने को नकारने का नियम भी है, आपने पढ़ा होगा इनका थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथीसिस। जब थीसिस एंटीथीसिस बन जाती है तो उसको थीसिस को वो नकार देते हैं, जब थीसिस सिंथीसिस बन जाती है तो वो एंटीथीसिस को नकार देते हैं। मतलब नकारने को नकारने का नियम यही है। द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक ही सीमित करती है। दोस्तों, द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो केवल भूतकाल को नहीं रखती, वो भविष्य को भी बता सकती है। ठीक है, और प्रेजेंट को तो वो बताती ही है। ठीक है, तो इसका डी यहां पर गलत है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। यह किसने कहा कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? दोस्तों, स्टालिन ने लेनिनिज्म की खोज की है। लेनिनिज्म की खोज, एक इन्होंने पुस्तक लिखी है स्टालिन ने, तो इसका सही आंसर है स्टालिन। डेविड ईस्टन के द्वारा समर्थित व्यवहारवाद के सिद्धांतों का सही अनुक्रम बताइए। दोस्तों, बहुत ही टफ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनकी धारणाएं तो पढ़ी होती है, सिद्धांत पढ़े होते हैं, लेकिन हमें उसका क्रम पता नहीं होता है। तो इसका क्रम है नियमितताएं, सबसे पहले तो रेगुलेशन होनी चाहिए किसी भी सिद्धांत के अंदर, उसके बाद उसका सत्यापन, उसके बाद क्या है, उसका सत्यापन भी हमें करना आना चाहिए। तो सबसे पहला 1 है और दूसरा 4 है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। उसके बाद क्या है, तकनीके, और सबसे लास्ट में मातृकरण। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया? तो ये जोहान्स
वर्ग में किया था, सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सूची एक को सूची दो के साथ आपको मिलाना है, और ये इनकी थ्योरी और पुस्तकें हैं। जैसे कि सबसे पहले है चार्ल्स ई मेरियम। मेरियम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या थ्योरी में शक्ति सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने लिखी है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, और इसमें इन्होंने शक्ति सिद्धांत की चर्चा की है। उसके बाद हैंज यू लादी। हैंज यू लादी, हैंज यू लादी की पुस्तक है बिहेवियरल पर्सुएशन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, द बिहेवियरल पर्सुएशन इन पॉलिटिक्स। लियो स्ट्रोस, आपको पता है लियो स्ट्रोस राजनीतिक उत्थान से जुड़े हुए हैं, और इनकी पुस्तक है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी एंड अंडर अदर स्टडी, एंड अदर स्टडीज। उसके बाद लास्ट बच गए डी ट्रूमैन, और डेविड ट्रूमैन का है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो 10 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यता दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है। दार्शनिक उपागम, फिलोसफिकल अप्रोच, ये है प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो और एरिस्टोटल को दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है। हॉब्स लॉक रूसो को सामाजिक समझौते का, जेरमी बेंथम और जेएस मिल को उपयोगितावादी का, और कांट और हीगल को आदर्शवाद का संस्थापक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12, वेबर के आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। निर्व्यक्तिता, सबसे पहले तो निर्व्यक्तिता। मैक्स वेबर क्या बोलते हैं, शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं होती है, शक्ति हमेशा कुर्सी में होती है, कुर्सी में। अगर कोई जनरल मैनेजर है तो जनरल मैनेजर तब तक है वो जब तक कुर्सी के ऊपर है, उसकी शक्ति तब तक रहेगी जब तक कुर्सी के ऊपर, कुर्सी से हटा तो वो आम आदमी बन जाता है। तो शक्ति हमेशा निर्वैयक्तिक होती है, और वो शक्ति कुर्सी में होती है, ठीक है, पोस्ट के अंदर शक्ति होती है। पदानुक्रम, पदानुक्रम की भी ये बात करते हैं कि पावर हायरार्की में भी हो सकती है। और उसके बाद है अनौपचारिक संगठन, इन दो की इन्होंने बात नहीं की है, तो करेक्ट आंसर इसका 2 और 3। अनौपचारिक संगठन आपको पता है ये एल्टन मेयो का सिद्धांत है, लाइन और स्टाफ मिलिट्री से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में आमंड तथा वरबा के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों आमंड और वरबा ने एक बुक लिखी है सिविक कल्चर, इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले कॉग्निटिव उन्मुखीकरण, ठीक है, कॉग्निटिव उन्मुखीकरण, उसके बाद भावात्मक उन्मुखीकरण, ठीक है, इसको इफेक्टिव उन्मुखीकरण या ओरिएंटेशन बोलते हैं, और तीसरा है मूल्यांकन या इवेल्यूटिव उन्मुखीकरण। दोस्तों इन तीनों टर्मों को आप समझ लेना अच्छे से, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक का मतलब है कि आपको राजनीति जो संस्कृति है उसके बारे में नॉलेज है, और लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाकी भी आप देख लेना, अभी मेरे पास क्लियर नहीं है, आगे इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। पराश्रितता अर्थव्यवस्थाओं वो जो दूसरों को प्रभावित करती है और वो जो दूसरों द्वारा प्रभावित होती है के समूहों के बीच एक प्रकार का संबंध है। बिल्कुल सही है, पराश्रितता अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मूल भाग परिधीय संबंध पर निर्भर करती है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तभी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूला इसमें अपनाओ, यहाँ पे दोनों में डिपेंडेंसी की ही बात की जा रही है, तो इसका आंसर यहाँ पे इस हिसाब से ए होना चाहिए, और इसका आंसर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यह किसने कहा है राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्व दावा करती है। तो ये बात की है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने अथॉरिटी के ऊपर
पूरी की पूरी बुक लिखी है। पूरा का पूरा सिद्धांत उनका अथॉरिटी से शुरू होता है, जिसमें उन्होंने तीन प्रकार की अथॉरिटी की बात की है, ठीक है, जो आपको पता ही होगा। तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों ने इसकी उपेक्षा की है। तुलनात्मक राजनीति ने क्या है, अनुभविक जांच पड़ताल की उल्लंघना की है। उन्होंने अनुभव के ऊपर जांच पड़ताल नहीं की, उसकी वजह से व्यवहारवाद या उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। तो 16 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको निर्वाचन व्यवस्था को देश के साथ जोड़ना है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है भारत और यूएसए के अंदर। टू राउंड ऑफ सिस्टम अपनाया जाता है मिस्र के अंदर। टू राउंड ऑफ सिस्टम अपनाया जाता है मिस्र के अंदर। और उसके बाद लिस्ट सिस्टम आपको पता ही होगा ब्राज़ील के अंदर है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है आयरलैंड के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तक को लेखक के साथ आपने मैच करना है, और इसमें सबसे पहले वो थिंकर लेना जो आपको इजी लगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो मुझे आता है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। दोस्तों ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राम वलास को आपको पता है, साइकोलॉजिस्ट है, ये साइकोलॉजिकल थिंकर है। जो मैंने आपको नोट्स दिए उसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किए हैं, पहले टेबल के अंदर ही मैंने मेंशन किए हैं, ग्राम वलास है ह्यूमन नेचर या फिर साइकोलॉजिकल थिंकर। तो डी का तीन सिर्फ यहाँ पे एक जगह में है, तो इसका करेक्ट आंसर भी सॉरी डी होगा, ठीक है। तो आगे इसका मैच कर लेते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी के साथ जुड़े हैं जिगलर, एच जिगलर। उसके बाद है इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ फॉर कॉन्टिनेंट्स से जुड़े हैं डब्ल्यू एच डब्ल्यू एहरमान, और एनोमिनस एम्पायर से जुड़े हैं सैम्यूल फाइनर। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है। पहले तो लोकमत का अध्ययन करेगा और उसके बाद राजनीतिक विकल्पों का भी अध्ययन करता है। तो ये है व्यवहार परक उपागम। क्वेश्चन नंबर 20, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, और ये राजनीतिक संस्कृति है। अब आप देख लो, राजनीतिक संस्कृति से यहाँ पे दो क्वेश्चन आए हैं एक साथ, तो पॉलिटिकल कल्चर को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। तो समरूप संस्कृतियाँ पाई जाती है यूके के अंदर। समरूप संस्कृतियाँ कौन सी होती है, जो रूढ़िवादी के ऊपर होती है। वहाँ की संस्कृति क्या है, राजा रानी को अभी भी स्वीकार कर रहे हैं वो, तो समरूप संस्कृतियाँ है। अभिजात वर्ग संस्कृति है भारत और यूएसए के अंदर। सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति है चीन के अंदर। सब्जेक्ट समझा जाता है वहाँ पर जनता को, ठीक है, जनता वहाँ पे मतलब विद्रोह नहीं कर सकती है, वहाँ पे ज़्यादा अधिकार नहीं है क्योंकि साम्यवादी वहाँ पे सरकार है। संकीर्ण संस्कृति पैरोकियल संस्कृति है युगांडा के अंदर। तो 20 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों को मिलाना है कि कौन से राष्ट्रपति थे उस टाइम और उनके साथ उपराष्ट्रपति कौन था। और इसमें आपको पता करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद के साथ वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर राधाकृष्णन, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ थे वीवी गिरी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी ही बने थे। संजीवा रेड्डी बीडी जत्ती, ये गलत है, बीडी जत्ती नहीं थे संजीवा रेड्डी के टाइम में, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन के टाइम भी थे जाकिर हुसैन। इसका करेक्ट आंसर है सी, सी यहाँ पे गलत मैच किया है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत है 15%। 1990s के अंदर जो अमेंडमेंट पास हुआ था
उसमें 15% ये इनकी संख्या रखी थी मंत्रियों की। निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो एसटी से रिलेटेड है, जनजातीय पंचायती राज से संबंधित है, दिलीप सिंह भूरिया समिति। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको क्या करना है, याचिकाएं जो आर्टिकल 32 के अंदर दी है उसको क्रमबद्ध करना है कि कौन सी पहले है कौन सी दूसरी है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है, HM में PC क्यों लगाया। HM मतलब होटल मैनेजमेंट, मे का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मे हिंदी में है, HM में PC, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, PCQ, क्यू फॉर क्वीन, क्यू लगाया, लगाया का कोई मतलब नहीं है। पी से क्या हो गया, पी से हो गया प्रोहिबिशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं HM में PC क्यों लगाया। H फॉर एबियस कॉप्स या बंदी प्रत्यक्षीकरण, HM, M फॉर मेंडामस परमादेश, HM में P फॉर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है निषेध, PC, C का मतलब सर्शियरी, और क्यूम वारंटो, तो यहाँ पे क्यू लगाया का मतलब क्यूम वारंटो। तो 24 का करेक्ट आंसर है सी, HM में PC क्यू लगाया। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको क्रमबद्ध करना है, क्रिप्स मिशन आया 1942 के अंदर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई है 1919 में, साइमन कमीशन 1928 में, मॉन्टमिंटो सुधार हुआ है 1909 के अंदर। तो 25 का करेक्ट आंसर है बी, बी। क्वेश्चन नंबर 26, पार्टी को उनके लक्षण के साथ आपने जोड़ना है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्थान क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला गया है अम्ब्रेला पार्टी या छाता संगठन। दोस्तों आपको कमेंट में मुझे बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को छाता पार्टी या अम्ब्रेला पार्टी किसने बताया, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी है क्षेत्रीय पार्टी, टीडीपी है क्षेत्रीय पार्टी। केरल कांग्रेस है राज्य की पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है राष्ट्रीय पार्टी। तो 26 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई। दोस्तों ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 की, ठीक है, यहाँ पे 1918 दिया है, आई डोंट नो, लेकिन उसका करेक्ट आंसर 1919 होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियों तथा पहचानों की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्रवाई के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। यहाँ पे क्या करना है, राजनीतिक संस्कृतियों की तथा पहचानों की विविधता में क्या करना है, सामंजस्य स्थापित करना है। भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को इसीलिए चुना है, इसीलिए भारत ने बहुलवादी प्रारूप को चुना है क्योंकि राजनीतिक संस्कृतियों पहचानों की विविधता में क्या करना है, सामंजस्य स्थापित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में काफी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको पता होगा 2/3 से ज़्यादा जो हमारा संविधान है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया था, बिल्कुल नहीं किया था। इसमें भी इन्होंने बहुत सारी आलोचना की थी 1935 के अधिनियम की, तो ये संविधान इसको नहीं बनाना चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सत्य परंतु आर असत्य है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सूची एक को सूची दो के साथ आपको मिलाना है, बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल जो 359 है उनसे मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जाता है जो इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। आर्टिकल 312, 312 है अखिल भारतीय सेवाएं जो राज्यसभा द्वारा सृजित की जाती है।
आर्टिकल 280 रिलेटेड है वित्त आयोग से और आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकालीन स्थिति के साथ। तो 30 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय 4 भागों में वर्गीकृत किया। ये क्या था? शेफरिट्स एवं रसल ने। क्वेश्चन नंबर 32, सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर निम्नलिखित में से किसने नहीं किया। दोस्तों, जो क्लासिकल थिंकर है, भले ही हेनरी फ्योल हो, अगर यहाँ पे टेलर होते तो उन्होंने भी नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है हेनरी फ्योल। निम्नलिखित रिपोर्टों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो एडी गोरे वाला रिपोर्ट आपको पता है, ये लोक प्रशासन में आई थी 1931 में। पॉल एच एप्लवी रिपोर्ट उसके बाद 1953 में आई थी। संथानम समिति आपको पता है 1963 के अंदर बनी थी। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 आई डोंट नो, लेकिन इसमें 76 दिया है। तो इसका सही क्रम क्या है? ए, 1 2 3 4, बिल्कुल ये इसी क्रम में होगी। इसमें डेट्स अगर आगे पीछे होगी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट की, तो आपने वो चेक कर लेना है कि कब इनकी रिपोर्ट आई थी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द करिज्मा का उपयोग किया था? करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, करिज्मा, चमत्कारिक सत्ता, ठीक है, ये सत्ता का इनका एक भाग है। इसका मतलब है आधिदैविक गुण और अतिमानवीय गुण, ठीक है, अद्वितीय गुण बोल सकते हैं इसको, अधिदैविक गुण को, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से संगठन का आधार कौन सा नहीं है? संगठन के आधार, जैसे कि गुलिक ने P4 का सिद्धांत दिया है, कार्य के आधार पर संगठन बनता है, प्रक्रिया के आधार पर भी बनता है, और सेवार्थी वर्ग के आधार पर बनता है कि सर्विस आप कौन सी कर रहे हैं, उस आधार पर भी संगठन बनते हैं। लेकिन बजट के आधार पर कभी भी संगठन नहीं बनते हैं। बजट किसी भी संगठन का आधार नहीं है। हालांकि बजटन जरूरी होता है किसी संगठन के लिए, लेकिन ये आधार नहीं है, इसके आधार पर नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है। कानूनी अनुमति के अलावा अन्य द्वारा कर लगाया जा सकता है, बिल्कुल ही टेढ़ा है। कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता है। कानून की अनुमति बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना कर नहीं लगाया जा सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ए। लोक निधियों में से कोई व्यय नहीं किया जा सकता है सिवाय संविधान में प्रदान दिए गए तरीके और कानून के अनुरूप, बिल्कुल सही है। संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य है, बिल्कुल सही है। उसका करेक्ट आंसर ए आ गया था। सूची एक को सूची दो के साथ आपको मिलाना है, तो देखते हैं इसको। सोपानिक या पदानुक्रम, सोपानिक का मतलब क्या है? जहाँ पे पदानुक्रम हो, हायरार्की हो, उसको बोलते हैं सोपान प्रक्रिया। लोक प्रशासन पर 1951 में रिपोर्ट, जैसे कि अभी भी आया था, ये एडी गोरा वाले की रिपोर्ट आई है। अभी यहाँ पे देखो आप, एडी गोरे वाला रिपोर्ट आई है, तो ये 1951 के अंदर आई है। उसके बाद है भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा, इसकी सिफारिश की थी KS कोठारी कमीशन ने। और सहायक एजेंसी होती है, हाउसकीपिंग एजेंसी भी इनको बोला जाता है। तो 37 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। इसके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप नोट कर सकते हैं, वो है मिस्टर बम, MRBUM, मिस्टर बम। महाराष्ट्र में M 1971 में, R राजस्थान में 1973 में, मिस्टर बी बिहार में 1974 में, यूपी में
77 में, और एम फॉर मिस्टर बम, एम से एमपी में 1981 के अंदर लोकायुक्त संस्था स्थापित हुई है। तो मिस्टर बम से आप 5 राज्यों को याद रख सकते हैं कि कब कब लोकायुक्त की संस्था स्थापित हुई है। स्पॉयल सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में जीती पार्टी के सदस्यों को सार्वजनिक पद वितरित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों स्पॉयल सिस्टम क्या होती है? जो पार्टी जीतती है ना, वो अपने व्यक्तियों को चुनाव में लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चुनाव के दौरान पार्टी को बहुत सपोर्ट किया था, बहुत धन दिया, तो मुझे क्या है, चलो जी मुझे डीसी बना दो, तो वो स्पॉयल सिस्टम के अंदर होता है। चलो जी मुझे वीसी बना दो, मैंने तो बहुत काम किया था, जैसा कि हिमाचल के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है। आरएसएस के बंदों को क्या किया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है, ठीक है, कि उनका बहुत ज़्यादा योगदान है बीजेपी को, बीजेपी के उत्थान में। तो ये स्पॉयल सिस्टम अभी इंडिया में भी चला है, और ये स्पॉयल सिस्टम सबसे पहले कहाँ चला था, अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, अब वहाँ पे भी ये खत्म हो चुका है। तो रीजन क्या बता रहा है, सार्वजनिक पदों को विजेताओं द्वारा आनंद लेने वाले स्पॉयल समझा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो सार्वजनिक पद होते हैं, भले ही वो वीसी हो, ईसी हो, या फिर आपके दुनिया सॉरी देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े पद हैं, उनको स्पॉयल समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो आनंद लेने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आपको लोक प्रशासन अविभाज्य विचार के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? अविभाज्य समाज का मतलब है जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, कि जो हमारे प्रिंसिपल है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे, तो वो बात की थी हेनरी फ्योल और मार्शल डिमोक ने। साइमन ने तो कड़ी आलोचना की थी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो ही नहीं सकते, उसको प्रोवर्ब बोला था, और गुलिक ने भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41, इसमें लेखक को उनकी पुस्तकों के साथ आपने मिलाना है, और ये देखो ईएचकार पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, ईएचकार ने लिखी है द 20 ईयर क्राइसिस। उसके बाद अभी इसको मिला लेते हैं एकातीन, एकातीन सिर्फ एक जगह है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। बी का एक आर कियोहन ने लिखी है नियो लिबरलिज्म एंड इट्स क्रिटिक। सी का 4 जॉन मर्शिमियर ने लिखी है द ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ये जॉन मर्शिमियर की जो बुक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मर्शिमियर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रियलिज्म से जुड़े हुए थिंकर है। एफ जकारिया, फरीद जकारिया ने लिखी है फ्रॉम वेल्थ टू पावर। क्वेश्चन नंबर 42, वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है। बिल्कुल, एसपी हटिंगटन ने यह बात बोली है कि वैश्वीकरण क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट है, क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुआयामी प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 43, जब दो लड़ाकू योद्धा अपने चरित्र में और तुलनात्मक सामरिक लाभ में अपने क्षेत्र में इतने भिन्न है कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपनी खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है, तो इस युद्ध को बोला जाता है असममित युद्ध। असममित युद्ध, असममित युद्ध को बोला जाएगा असिमेट्रिक वॉर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, गाजा संघर्ष 2009 रिपोर्ट पर यूएन की तथ्य खोजी मिशन का नाम बताइए। अब ये तथ्य खोजी मिशन क्या होता है, जो बाद में उसके तथ्यों की खोज करता है कि गाजा संघर्ष में कितने लोग मारे गए, कितनों को वहाँ पे नुकसान हुआ, इसके क्या कारण थे, तो उसको बोला जाता है गोल्डस्टोन रिपोर्ट। गोल्डस्टोन रिपोर्ट, यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवाद का शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्ण निपटारा, ये शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है, ये करती है अध्याय 7 और अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। पीसफुल, पीसफुल इसको बोलते हैं, पीसफुल जो निपटारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक संस्थान की सही विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून एक पक्षीय कानून, बिल्कुल गलत। अंतर्राष्ट्रीय कानून कभी एक पक्षीय नहीं हो सकता है, बहुपक्षीय होता है,
जिसमें सभी पक्ष को शामिल किया जाता है। तो पहला ही गलत है यहाँ पे, सहमति और कानून, कानूनी दायित्व। तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून में सहमति भी होती है पूरे देशों की, और उसका कानूनी दायित्व तो भी माना जाता है। भाषा और औचित्य का प्रयोग, बिल्कुल इसमें भाषा औचित्य का प्रयोग भी किया जाता है। और उसके बाद है सांस्थानिक स्वायत्तता की वार्ता, जो संस्थान होते हैं, जितने भी संस्थान होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो स्वायत्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 3, 4, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, COP 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध था जलवायु परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्षेत्रीय संगठन दिए हैं और उनकी स्थापना वर्ष की उनकी स्थापना कब हुई। सबसे पहले है ओस, OAS, OAS आपको पता है अमेरिका में है और 1948 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा, नाफ्टा की स्थापना हुई है 1994 के अंदर। अरब मगरेब यूनियन, AMU, AMU की स्थापना हुई है 1989 में। और सबसे लास्ट में सबसे इजी है सीटो, सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी और नाटो की 1949 के अंदर हुई थी, उसके बाद ही हुई थी ये सीटो की। तो इसका करेक्ट आंसर 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, 48 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण करता है। बिल्कुल करता है। भारत में क्या है, असमरूपता का क्या मतलब है कि भारत एकमात्र पावर है और सकारात्मक है, मतलब वो है, ये नहीं है नेगेटिव कि हम पावर है तो हम दादा बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, इसलिए चीन और पाकिस्तान ने क्या गठबंधन एकजुटता दिखा दिए ताकि भारत अपने पाँव ना फैला पाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन ये यहाँ पे इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दक्षिण एशिया की बात की जा रही है, लेकिन चीन दक्षिण एशिया का देश नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य है, और आर सॉरी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, पाकिस्तान आमर्स आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979 टू 1999 इन सर्च ऑफ पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये लिखी है ओएशा सिद्दकी अदाने, यहाँ पे सिद्दी का लिखा है लेकिन ये सिद्दकी अली है। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।